बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब हम फ्रिज को खोलने के लिए डोर को हाथ लगाते हैं तो हल्का सा झटका लगता है, जिसको अक्सर अर्थ भी कहते हैं। ये करंट जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन एक मर्तबा झटका खाकर बंदा एक्टिव ज़रूर हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही झटके अक्सर आपने वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर के सीपीयू से भी खाए होंगे। इन सब का एक ही हल है, अर्थ वायर यूज़ करें। वॉशिंग मशीन के चार व्हील में से एक लोहे का व्हील इसी ही वजह से रखा जाता है ताकि वो वॉशिंग मशीन ज़मीन के साथ ग्राउंड रहे और करंट ना लगे। मैं आपको यहाँ फ्रिज ग्राउंड करने का आसान तरीका बताऊँगा ताकि आप ऐसे एक्सीडेंट से महफूज रहें। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक टेस्टर है जो कि फ्रिज की बॉडी के साथ लगाया है, और आप देख सकते हैं टेस्टर फुल करंट शो कर रहा है, लेकिन ये वो 220 वाला करंट नहीं है। ये सिर्फ एक लीकेज है जिसकी वजह से एक हल्का सा करंट का झटका लगता है। ये लीकेज किस वजह से पैदा होती है ये भी समझ लें। आपकी फ्रिज का पानी कंप्रेसर के ऊपर रखे हुए ट्रे पर गिरता है, जो कि पानी ट्रे से ओवर होने या ट्रे ख़राब होने की वजह से कंप्रेसर के कनेक्शन बॉक्स में चला जाता है। कंप्रेसर फ्रिज की बॉडी के साथ लगा होता है, इसलिए करंट फ्रिज की पूरी बॉडी में चला जाता है। इसलिए लीकेज को ख़त्म कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। कॉपर की एक वायर लें और इसके आगे से इंसुलेशन उतार कर एक रिंग टाइप बना लें। अगर आपके पास थिम्बल है तो वो लगा लें। फ्रिज के साइड से एक स्क्रू खोलें और वायर को वहाँ लगाकर स्क्रू टाइट कर दें। वायर के दूसरे सिरे से भी इंसुलेशन उतार लें और फ्रिज की चौकी के पैर के नीचे रख दें। तो दोस्तों, आप दोबारा देखते हैं टेस्टर ऑन नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका, जो कि पहले तरीके से बेहतर है, ज़मीन में एक ड्रिल मशीन से होल करें और एक लंबा स्क्रू या रॉड लेकर वायर इसके साथ टाइट कर दें और ज़मीन में प्रेस करके ग्राउंड कर दें। इस तरीके से आप अपने बच्चों को करंट लगने से महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट शुरू करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।